हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। देखिए, गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हम गार्डनर्स के लिए होती है कि मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। प्लांट्स को कैसे बचाना है इतनी भीषण गर्मी में, वाटरिंग के लिए टाइम निकालना, और कहीं कहीं तो पानी की भी कमी होती है। तो बहुत सारे प्लांट्स को हम कैसे मेंटेन रखें, तो सबसे पहले तो मैं अपना तरीका आपको बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको काम की बातें मेरे वीडियो के अंदर मिलेंगी। और बस मैं अपना तरीका कि मैं इतना बड़ा गार्डन कैसे अपने तरीके से मेंटेन करती हूँ, बिना कोई रूल फॉलो किए अपने तरीके से। हर चीज़ के एक नियम होते हैं, पानी देने का एक नियम होता है, समय का एक वो होता है कि हम किस टाइम में वाटरिंग करें, किस टाइम में ना करें। तो उसी पे आज का मेरा वीडियो है, तो जरूर वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए, पहले तो मैं अपने पानी देने का तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, प्लांट्स को मेरे पानी देने का तरीका। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अक्सर एक्सपर्ट लोग यही बोलते हैं कि पानी हमेशा सूरज निकलने से पहले सुबह के टाइम देना चाहिए या दिन ढलने के बाद शाम को। पर मैं क्या बताऊँ ना, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती, उठती हूँ तो फिर घर के ही काम मेरे। और गार्डन मेरा 3-4 साल से है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है, वही बता सकते हैं कि मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी रहते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं मई जून के गर्मी में भी सिर्फ एक टाइम ही वाटरिंग करती हूँ, सिर्फ एक टाइम। मैं छोटे मोटे मिट्टी में मॉइस्चर बनाने का तरीका अपनाती हूँ, जो कि मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। और वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं, एक टाइम के वाटरिंग से ही मैं काम चलाती हूँ, क्योंकि दो बार आके पानी देना इतने सारे प्लांट्स को मेरे बस की बात नहीं है। मतलब अगर घर पे कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ गार्डनिंग करनी होती तो हो पाता। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये पानी मैं 4 और 5 बजे के लगभग देती हूँ शाम के। अभी ये 5 बज रहे होंगे और यही टाइम है मेरा वाटरिंग करने का। मैं 5 बजे वाटरिंग करके आधा एक घंटे बाद फिर आती हूँ और 6 बजे के लगभग अपने गार्डन में थोड़े बहुत काम करती हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती अपने गार्डन में। ये देखिए, देखिए सही तरीका तो वही होता है जो हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि पानी सुबह के टाइम ही देना चाहिए। पर क्या करें, मजबूरी इतनी है कि हमको गार्डनिंग भी करना है, टाइम भी मैनेज करना है। तो चलो भी, इसलिए नियम को तोड़ना पड़ता है, और तभी प्लांट चल जाते हैं, प्लांट के शौक पूरे होते हैं। आप देख सकते हैं, जब भी वाटरिंग करिए, देखिए पौधों को अच्छे से नहला के कीजिए। और इससे क्या है कि ये नहा लेते हैं तो खुश भी हो जाते हैं, इनको ठंडक मिल जाती है, प्लस इनके पत्तियां साफ़ हो जाती हैं। और प्लांट्स की पत्तियां साफ़ होती हैं तो देखने में भी सुंदर लगती हैं, और प्लांट्स अपना खाना जो पत्तियों से बनाते हैं उस हिसाब से भी इनका काम ईजी हो जाता है। पत्तियाँ क्लीन रहनी बहुत ज़रूरी है। तो और गर्मियों में पानी की बहुत कमी रहती है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो हम सबको इस बात को मानना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए
पानी वेस्टिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने नेचर के लिए इतना सुंदर गार्डन भी रेडी करके रखी हूँ, प्लस मैं एक ही टाइम कम पानी वेस्ट करके भी इन प्लांट को इतना सुंदर हेल्दी बना के रखती हूँ। तो मैं रखती ही हूँ। और मुझे लगता है जैसे कि मैं शाम को 5 बजे पानी दे दी, अभी दे दी, और ये अब तो थोड़ी देर में धूप ठंडा ही पड़ जाएगा, उसके बाद पूरी रात ये ठंडे बने रहते हैं और फिर सुबह ये धूप को झेलना स्टार्ट करते हैं। तो फिर पूरे दिन में जैसे 5 बजे मैं वापस आती हूँ अपने गार्डन में, सुबह तो जल्दी जल्दी पूजा के फूल लेके मैं भाग जाती हूँ, बस कुछ भी नहीं करती, तो पूरी तरीके से इनकी मिट्टी सूख चुकी होती है। तो मिट्टी का सूखना प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सूखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस पॉट की मिट्टी पूरी तरीके से सूखती नहीं है, वो प्लांट जिंदा तो रहते हैं पर अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ड्राई मिट्टी में जब मैं वाटरिंग करती हूँ, बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है सूखी मिट्टी में पानी डालना। और पानी डालने के बाद जो रंगत आती है मेरे प्लांट्स की, तो आप देख सकते हो, आप हमेशा देखते हो मेरा गार्डन, तो कितने मेरे प्लांट हेल्दी रहते हैं। अब बस मेरा यही तरीका है। और जहाँ जहाँ किसी किसी पॉट की मिट्टी कुछ ज़्यादा ही सूख जाती है, तो उसका बहुत ही छोटा सा और आसान तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ फ्रेंड अपने एक्सपीरियंस से, कि गर्मियों में हम अक्सर कहते हैं कि खूब सुंदर से नहला के, मैं खुद ही बोली अभी, नहला के पानी देना चाहिए, खूब ज़्यादा पानी देना चाहिए, दिन में 2-3 बार दे देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैं रहती हूँ, तो सबको पता है यहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, तब भी मैं एक टाइम पानी दे के काम चला रही हूँ। तो आप समझ सकते हो कि इतनी दिक्कत नहीं है, एक टाइम पानी देने में भी प्लांट्स ज़िंदा रह सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए तो। और ये जो हम बोलते हैं कि बहुत गर्मियों में कि खूब पानी देना चाहिए, खूब पानी देना चाहिए, तो अक्सर गर्मियों में प्लांट ओवर वाटरिंग का भी शिकार हो सकते हैं, बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि दिमाग में हमारे बसा रहता है कि पानी देना है, बहुत देना है, बहुत देना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अक्सर गर्मियों में ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाते हैं प्लांट, और सर्दियों में जस्ट उल्टा भी हो जाता है। हम बोलते हैं पानी कम देना है, पानी कम देना है, पानी कम देना है, सर्दियों में नमी बनी रहती है, और इस चक्कर में सर्दियों में प्लांट कभी कभी अंडर वाटरिंग का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, मिट्टी चेक करके ही हम पानी दें तो ज़्यादा बेटर है। गर्मियों में भी हम दे रहे हैं तो देख लें कि जिस पॉट की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी नहीं है, उसमें हम बिल्कुल भी पानी ना दें, वेट कर लें 1 दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो चलिए देखते हैं कि हम छोटा सा मैं कौन सा तरीका आपको बताती हूँ, जिस प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है उसके लिए, और उससे आपको ज़्यादा पानी वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए 24 घंटे में मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, देखिए ऐसे सूख जाती है मेरे आते तक। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट्स की सूख जाए, पर सूख जाती है, ऑलमोस्ट सूख ही जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, ये देखिए इस तरीके के बॉटल में पानी भर के, देख रहे हैं ये पानी यहाँ से ये स्प्रे हो रहा है। इसको मैंने पिन से, मैं बताती हूँ कैसे छेद करना है इसको, और छेद करके आप ऐसे रख दीजिए, इसमें बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा और धीरे धीरे, और इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। ये देखिए जैसे ये छोटा बॉटल है, और पिन से, देखिए पिन से इसको कहीं भी एक होल बना देना है, ये देखिए बस। अब इसको ये देखिए मिट्टी सूखी हुई नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपको इसको रख देना है ऐसे। तो थोड़ा बहुत तो मैं ये तरीका अपना लेती हूँ, इस तरीके के बॉटल का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम वेस्ट में ही फेंक देते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा आपके गार्डन में कुछ तो आपके पानी की कमी को
ये पूरा कर सकता है ये तरीका। तो बॉटल को फेंकने के बजाय आप इनमें पानी भर के रख सकते हैं। सभी प्लांट्स पे तो मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ कुछ प्लांट पे आप रख सकते हैं और सभी प्लांट पे भी रख सकते हैं। इस तरीके का बॉटल हमारे घरों में तो वैसे ही हम कबाड़ी को देते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। तो बस फ्रेंड, आज की यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ओके फ्रेंड, बाय।